बहुत कम ऐसे बायोपिक्स आते हैं जिनको देखकर वो इंसिडेंट्स उनके साथ जो हुआ है वो फील होता है। ऐसे एक मूवी आई है मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे स्टारिंग रानी मुखर्जी। ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड स्टोरी है एक माँ की जिन्होंने अपने बच्चों को नॉर्वे में खो दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन ये अलाउड नहीं करते कि माँ अपने बच्चों को हाथ से खाना खिलाए, उसको गोदी में उठाए, उसको अपने साथ में लेकर सोए, ये सभी चीज़ें वहाँ पर अलाउड नहीं है। और कहीं ना कहीं उनके देश में इन सब चीज़ों को अच्छी पेरेंटिंग नहीं माना जाता। इसी वजह से एक इंडियन मदर को अपने बच्चों को खोना पड़ा था। और ये सब लोग जानते हैं कि माँ आखिर माँ होती है, चाहे आगे देश हो या फिर भगवान, वो अपने बच्चे के लिए किसी से भी लड़ जाएगी। तो कैसे मिसेस सागरिका चक्रवर्ती ने नॉर्वे से लड़कर अपने बच्चों को फिर से हासिल किया और उस वक्त नॉर्वे ने क्या क्या वजह दी थी कि वो एक माँ से बच्चों को छीनकर अपनी कस्टडी में ले रहे थे। देखो इस फिल्म में आपको कुछ एक्शन सीन्स मास मसाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक इमोशनल एंगल, माँ का नजरिया, माँ का प्यार जिनको महसूस होगा वो तो ये फिल्म जरूर एंजॉय करेंगे। हाँ, ये एक ट्रेजेडी बन गई है कि फिलहाल लोगों को सिर्फ मास मसाले से एक्शन सीन से भरी मूवीज पसंद है। सबको बस मार धाड़ चाहिए, ऐसी फिल्मों को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। और यही वजह है कि ऐसी फिल्में फ्लॉप हो जाती है और फिर बाद में फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्में बनाना ही बंद कर देते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि पठान के वक्त थिएटर्स इतने ज्यादा हाउसफुल थे, लेकिन इस मूवी के वक्त अगर आप थिएटर्स जाओगे मूवी देखने के लिए तो आपको इतनी ज्यादा भीड़ नजर नहीं आएगी, मुश्किल से कुछ सीट्स भरे होंगे। और फिर आपको समझ में आएगा कि लोग ऐसी मूवीज पसंद ही नहीं करते, उनको बस वो एक्शन सीन्स, वो इलॉजिकल सीन्स, फिजिक्स का कुछ अता पता नहीं, बस मार धाड़, ऐसी फिल्में ही लोग देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि ऐसी फिल्में ही हमारे पुराने बॉलीवुड की खासियत है। वो इमोशनल जोन में ले जाकर वो आपको अलग दुनिया में ले जाते हैं और फिर जो फील कराते हैं, जो एंटरटेनमेंट देते हैं, वो सबसे अलग होता है। लेकिन फिलहाल ऑडियंस ये देखना ही नहीं चाहती, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। मूवी तो बहुत ही अच्छी है, एज यूजुअल रानी मुखर्जी का परफॉर्मेंस ग्रेट। हम देखते ही आ रहे हैं रानी मुखर्जी बेहतरीन से बेहतरीन स्क्रिप्ट चूज करती है, बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज बनाती है और वो बहुत स्मार्टली कोई कॉन्सेप्ट उठाती है और उस पर मूवीज बनाती है। इसी वजह से उनकी मूवीज देर से आती है लेकिन मूवीज बहुत ही अच्छी होती है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे भी ऐसी ही मूवी है, आप लास्ट तक इस फिल्म से और इस फिल्म के इमोशन से जुड़े रहेंगे। लेकिन नहीं आता तो थिएटर में जाकर देख सकते हो, आप निराश नहीं होंगे। मूवी अच्छी है, बाकी डिसीजन आपका है, आपको देखनी है या नहीं। अगर देखी तो वापस कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताना भूलना मत कि आपको ये मूवी कैसी लगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।